ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास गुड अगेन। मॉर्निंग सर। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ओएलएपी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इज आवर डेटा क्यूब, ओके, क्यूबॉइड, ओके, एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। And also we have covered OLAP and different types of OLAP. Now today what we are going to cover the operations that we can perform OLAP. Okay, and that will be a very important topic, no doubt. Someone is in the lobby, let me see. Okay. Okay, right. So OLAP servers are based on the multi-dimensional view of data. अभी तक तो आप लोगों को ये चीज़ पता लग गया है कि वॉट एवर द डेटा और डायमेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू दिस डेटा वेयर हाउस एंड स्पेसिफिकली ओएलएपी, दे दैट इज मल्टी डायमेंशन। ओके, सो वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दिस मल्टी डायमेंशनल डेटा एंड दे आर रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस एंड डाइस एंड पिवट। ओके, सो वील डिस्कस each of them with some examples. So first I'm going to discuss the roll up operation. Okay, roll up performs aggregation on data cube in any of the following ways. This means by climbing up a concept hierarchy for a dimension and by dimension reduction. Ye do points ko note down karna aap log. Roll up, so you are actually climbing up on that concept hierarchy, theek hai, us hierarchy mein aap climb up kar rahe ho, aur jab hi aap climb up karoge to aapko exercise kya ho raha hai yahan pe, jab aap climb up karoge to dimension reduction. Kal ya parso ek student ne mujhe question pucha tha ki zero dimension and n dimension, unka usne ka matlab alag tha, do terms ki baat kar rahe the, तब भी मैं इनको बोला था कि एक्चुअली दिस इज जीरो डायमेंशन द मोस्ट समराइज व्यू, और जो डायमेंशन आप डिवाइड करके जा रहे हो, ठीक है, डिवाइड करके जा रहे हो मतलब अलग अलग एट्रीब्यूट्स को एक साथ कंसीडर करते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप डायमेंशंस को इंक्रीज करते हुए जा रहे हो, गेटिंग मी? सो इन दिस केस रोल अप में उल्टा हो रहा है, हियर वी आर ट्राइंग टू क्लाइम अप, सो ओवरऑल व्हाट विल हैपन, डायमेंशन रिडक्शन विल हैपन। ओके, रोल अप में एक्सिस होगा, डायमेंशन रिडक्शन, यू शुड नोट इट डाउन। कैसे हम देखेंगे, अब ये डायग्राम को ध्यान से देखो, लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, सी टाइम, दिस इज द टाइम डायमेंशन, दिस इज द लोकेशन डायमेंशन एंड दिस इज द मोबाइल फोन मॉडेम फोन सिक्योरिटी आइटम। Again, someone is in the lobby. Let first. Okay. क्या बोल रहा था मैं? Locations and time and then mobile modem phone security. अब roll up करना मतलब यहाँ पे देखो क्या है, cities, right? अब cities के ऊपर क्या होगा? Can you tell me? Let me show you the countries. Very good, Jeta. जो सिटीज के ऊपर काउंट्रीज हैं, तो आपको एक बार फिर से मैं वो हायरार्की दिखा देता हूँ, इसमें दिखाया था, ये हायरार्की आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अलग अलग सिटी, उसके बाद वो काउंट्री, उसके बाद वो सब पार्टिकुलर रीजन, जैसे कि यूरोप में क्या आ जाएगा आपका, जर्मनी, स्पेन, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इस हायरार्की में ऊपर जा रहे हो, राइट, यू आर क्लाइंबिंग अप दिस हायरार्की। And as soon as you are climbing up the hierarchy, this means what? You are doing what? Dimension reduction. जब आप नीचे आओगे तो क्या होगा, आप उसको तोड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, काउंट्री के बाद सिटी, सिटी के बाद क्या आ जाएगा आपको, सपोज दैट विलेज, और विलेज के बाद दोस कॉलोनीज, लाइक दैट, तो ऐसे जाओगे तो क्या होगा, आपका डायमेंशन इंक्रीज होगा, बट जब आप ऊपर जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपका डायमेंशन रिडक्शन। अभी हम रोल अप ऑपरेशन की बात कर रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, अल्टीमेटली डायमेंशन रिडक्शन होगा, एंड दिस
concept is very important, and many times I have seen the students got confused, so that's why I'm illustrating like that. I hope now this is clear to you. अब यहाँ पे देखो, इस ये क्यूब आपने लिया, उसके बाद ये जो यहाँ पे रोल अप ऑपरेशन किया, रोल अप ऑपरेशन फ्रॉम सिटीज टू काउंट्रीज, टाइम को ठीक है, बट आप काउंट्रीज में आ गए तो क्या होगा आपका ओवरऑल काउंट्री, यूएसए, कनाडा, राइट? सो ओवरऑल यू हैव रिड्यूस द डायमेंशन. सो नोट डाउन दैट रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म डायमेंशन रिडक्शन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ. Now, roll-up is performed by climbing up a concept hierarchy for the dimension location. Initially, the concept, the hierarchy was street, city, province, country. On rolling up, the data is aggregated by ascending the location hierarchy from the level of city to the level of country, and the data is grounded into cities rather than countries. When roll-up is performed, one or more dimensions from the data cube are removed. I hope that एक एक पॉइंट जो भी यहां पे मैंने लिखा है, नाउ इट इज क्लियर टू यू, इज इट और नॉट? यस सर. यस सर. ठीक है. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम, देन यू कैन एनालाइज बाय योरसेल्फ. आई होप इन द यस्टरडे क्लास I asked you to go through some practical. Oh, no, that is the peer class, no? Right, okay. So then, coming to the next operation, after the roll-up operation, we have another operation, that is the drill-down operation. Okay, drill-down operation. And this is the reverse operation of roll-up, and it is performed by two ways, either by stepping down a concept hierarchy for a dimension, and by introducing a new dimension. बात एक ही है. देखो आप नीचे आओगे उस hierarchy में, देखो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, when you come down, county के बाद city, city के बाद जो भी हो, suppose office की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप, village जो भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, overall आपका dimension increase होगा, क्योंकि ये count सपोज मैं इस दोनों काउंटी को एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ, तो आई एम इंक्रीजिंग द डायमेंशन, बट इस काउंटी को तोड़ के इसके सिटीज में डिवाइड कर रहा हूँ, सो आई एम इंक्रीजिंग द डायमेंशन. सो व्हेन यू कम डाउन देन द डायमेंशन विल बी इंक्रीज, और जब आप डायमेंशन इंक्रीज कर रहे हो डाउन में, तो क्या हो रहा है, और एक चीज के जरिए कर सकते हो आप, कोई एक नया डायमेंशन क्रिएट कर दो. जैसे मैंने कहा सिटी के बाद और एक आप डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो, से विलेज, right? So in that way, when you go down, then the dimension will be increased, and that operation we know as drill down. So drill down can be performed two ways, either by stepping down a concept hierarchy for a dimension or by introducing a new dimension. Okay. Now let's consider the first one. The concept hierarchy was day, month, quarter, year. तो सबसे ऊपर क्या है आपका, ईयर, उसके बाद आपने उसको क्वार्टर में डिवाइड किया, उस क्वार्टर को फिर से मंथ पे, मंथ से डे, डे से आवर्स, आवर्स से मिनट, लाइक सेकंड, दैट इज द हायरार्की. सो बाय ऑन ड्रिलिंग डाउन द टाइम डायमेंशन इज डिसेंडेड फ्रॉम द लेवल ऑफ क्वार्टर टू द लेवल ऑफ मंथ. व्हेन ड्रिल डाउन इज परफॉर्म, वन और मोर डायमेंशन फ्रॉम द डेटा क्यूब आर एडेड एंड इट नेविगेट्स द डेटा फ्रॉम लेस डिटेल डेटा टू हाईली डिटेल्ड डेटा. ठीक है, यहाँ पे लेस डिटेल्ड डेटा से हाईली डिटेल्ड डेटा, यहाँ से आप ओ सीज को लिंक कर सकते हो. जैसे आपने कहा था, एक कोई एग्जाम को कन्फ्यूज हुआ था जीरो डायमेंशन और एन डायमेंशन, फिर से इसमें और ये पॉइंट आपको नोट डाउन करा देना चाहता हूँ कि जीरो डायमेंशन में हाईली समराइज डेटा है. समराइजेशन का मतलब क्या है, संक्षेप, मतलब क्या होगा, आप कम में वो चीज बता रहे हो. जब डायमेंशन इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप डिटेल्स को बढ़ा रहे हो. Are you getting me? This is the difference between zero dimension and diamond. Zero dimension में आप summarization कर रहे हो. Summarization मतलब आप कम से, in brief you are trying to explain that those things. और उसी को आप n dimension में convert करोगे तो क्या होगा? You are increasing the details. I hope that boy who has asked that question is clear to him now. Okay. So that is the drill down operation.
Now let me show you the figure, this diagram. Look at this diagram very carefully. अब इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो, ठीक है? क्योंकि जब एग्जाम में मैं पूछूंगा आप लोगों को ड्रिल डाउन क्या है, रोल अप क्या है, आपको इस डायग्राम के सहित बताना होगा. देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स. ओके, दिस इज नॉट अबाउट दिस सेमिस्टर एग्जाम. यू मे फाइंड दिस क्वेश्चन इन अदर एग्जाम ऑल्सो. सो सीरीज, ये दिखाई दे रहा है आपको क्या है, सिटीज. देन दिस इज क्वार्टर्स. अब मैंने क्या कहा था आपको, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स हाउ मेनी मंथ्स मेक ए क्वार्टर, कैन समबडी टेल मी? क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि कितने मंथ्स एक क्वार्टर बनाता है? फोर फोर. गुड. सो आपने देखा, आपने कहा तो ये सारे मंथ्स जो है ये एक क्वार्टर बनाते हैं, राइट? तो आपका क्या है मतलब, जैसे ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर है, तो कितने मंथ्स ओवरऑल है हमारे पास? हाउ मेनी मंथ्स वी हैव इन अ ईयर? 12 मंथ्स. अरे थ्री होगा, सिर्फ दो जन जानते हैं कि 12 मंथ्स है एक ईयर, बाकी लोग नहीं जानते हैं ना. आप लोगों के लिए कितने ईयर, कितने मंथ्स, कितने मंथ्स? 12 सभी के लिए. सर 12 मंथ्स. ओके सो ठीक है. हाँ, मैं क्या बोल रहा था, क्वार्टर से आप क्या कर रहे हो, मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो. मतलब आप क्या किया, उस बड़े चीज को और क्या कर रहे हो, मतलब जो समराइज करके रखा था क्वार्टर में, हमने समराइज करके रखा था, आप उस चीज को आपने क्या किया, मंथ्स में डिवाइड किया. तो आप क्या करोगे एक्चुअली, इस क्वार्टर से उस मंथ पे आओगे, मतलब जो हायरकी है, हायरकी में और नीचे आ जाओगे. आर यू गेटिंग मी? अब जब नीचे आ जाओगे इसका मतलब क्या होगा, आप डायमेंशन को बढ़ा रहे हो. यू आर इंक्रीजिंग और यू आर एडिंग मोर डिटेल्स टू दैट डाटा क्यूब. और डायमेंशन को बढ़ाना मतलब उस डाटा क्यूब में और एक डायमेंशन को ऐड करना. आर यू गेटिंग मी? सो दैट्स व्हाट एक्चुअली ड्रिल डाउन ऑपरेशंस फॉर्म परफॉर्म्स. यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया टाइम से, मतलब क्वार्टर से मंथ. आप लोग क्या करके देखना, विथ रेस्पेक्ट टू सिटी यू विल ट्राई टू परफॉर्म द ड्रिल डाउन ऑपरेशन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. You will perform drill down operations with respect to the time cube I have given or had shown in the example. Okay, that is with respect to cities. I have shown you with respect to time. Or aap log kya karoge? Ye drill down operation karoge with respect to city. Kya question sabhi ko samajh mein aa gaya? Is the question clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. और ये करके मुझे बताओगे. और घर में जो भी आप कॉपी मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप ये क्या बोलते हैं, ये डायग्राम बना के जाना, ठीक है? तब ज़्यादा क्लियर होगा इस चीज़. तो नेक्स्ट, कैन आई मूव अहेड? हेलो सर. हाँ हाँ बोलो सर. कोई कोई बच्चे डिस्कनेक्ट होकर वापस से लॉबी में आए क्या सर? उन लोग ज्वाइन करने का मैसेज दे रहे सर ग्रुप में. ओके राजू ना. ओके ठीक है. यस सर. ओके देखता हूँ ये बार बार क्यों ये लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. मैं तो अभी इनको ऐड किया था. रस राहिश गुलदीप शर्मा. ओके लेट देम इन. सर राहिश था, वापस से निकल गया था सर वो. बोल देना वापस से निकल जाएंगे तो एक बार और फिर से एंट्री नहीं दूंगा उनको, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. ओके सर. ओके थैंक यू राजू. So roll up and drill down operation is clear to you. Coming to the next operation, that is a slice. Slice operation selects one particular dimension from a given cube, provides a new sub cube. अभी लोगों को, आप सभी को पता है कि slice मतलब क्या है. सही, ये mango की बात कर रहा हूँ या जो भी बात कर रहा हूँ. Slice, एक particular slice आपको सही है. Suppose either this is a slice of cheese or this is a slice of data cube. एक ही चीज है. यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर डायमेंशन को आप कट के उसको प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, आपने एक नया सब क्यूब बना दिया है. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म्स. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. स्लाइस ऑपरेशन सिलेक्ट्स वन पर्टिकुलर डायमेंशन फ्रॉम अ गिवन क्यूब एंड प्रोवाइड्स ए न्यू सब क्यूब.
आप यहाँ पे देखो, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, लोकेशंस सिटीज शिकागो न्यूयॉर्क टोरंटो वैंकूवर, टाइम क्वार्टर Q1 Q2 Q3 Q4। अब मैं स्लाइस करना चाहता हूँ इस बड़ा क्यूब को किसमें, फॉर टाइम Q1। ओके, मैंने सिर्फ क्वार्टर वन को कंसीडर किया है और उस क्वार्टर वन बाकी सारे चीज आ जाएगा, आपका सिटीज क्या है, शिकागो न्यूयॉर्क टोरंटो वैंकूवर, वो सारे चीज आ जाएगा। बट जिसके रेस्पेक्ट पे मैंने स्लाइस किया हूँ, मतलब से सपोज Q1, तो सिर्फ Q1 का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्लाइस ऑपरेशन से हमें डेटा को और अच्छे से एनालिसिस करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, स्लाइस ऑपरेशन हेल्प अस टू मोर मीन्स फोकस ऑन ए पार्टिकुलर डायमेंशन ऑफ दैट डेटा क्यूब। तो दिस इज द स्लाइस ऑपरेशन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ये याद रखना, ये भी अपने आप में एक क्यूब है और इसको हम इस मेन क्यूब का सब क्यूब बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अगेन ए क्यूब एंड दिस विल बी नोन एज सब क्यूब ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, राइट? सो ये स्लाइस ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर द डायमेंशन टाइम यूजिंग द क्राइटेरिया टाइम Q1। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव इज डाइस। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास डाइस है, और यहाँ क्या हो रहा है, डाइस सिलेक्ट्स टू और मोर डायमेंशन फ्रॉम ए गिवन क्यूब एंड प्रोवाइड्स ए न्यू सब क्यूब। तो स्लाइस में एक डायमेंशन कंसीडर किया था आपने, अब डाइस में क्या हो रहा है, एक से अधिक डायमेंशन। देखो दिस इज द डाइस, आप ये जो है ये क्वारी आप अच्छे से देखना, पहले लोकेशन जो है शिकागो सिटीज हैं, क्वार्टर्स हैं। आप यहाँ पे क्या किया, डाइस फॉर लोकेशन इज इक्वल टू टोरंटो और वैंकूवर। जैसे आपने सबक्वारीज लिखा था, याद होगा सपोज, या आपने DBMS में सबक्वारी लिखा था। ठीक है, सबक्वारी आपने नॉर्मल हमारा SQL कमांड्स के जरिए भी एग्जीक्यूट किया था, और हमने रिलेशनल एल्जेब्रा में भी उसका ओरिजिन किया था, कैसे सबक्वारी परफॉर्म्स होता था, वो चीज हमने DBMS लेक्चर में देखा था, राइट? सो सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, डाइस फॉर लोकेशन इज इक्वल टू टोरंटो और वैंकूवर एंड टाइम इज इक्वल टू Q1 और Q2 एंड आइटम इज इक्वल टू मोबाइल और मॉडेम। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज कंसीडर कर रहे हैं हम। डाइस के लिए लोकेशन दो कंसीडर कर रहे हैं, क्या क्या कंसीडर किया हमने, टोरंटो और वैंकूवर। टाइम भी सारे Q1 से Q4 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, Q1 और Q2 एंड आइटम मोबाइल और मॉडेम। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल मॉडेम फोन सिक्योरिटी चार आइटम है, बट आई एम कंसीडरिंग ओनली टू। सो व्हेन वी गेट द इंफॉर्मेशन, व्हेन वी मींस एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ओरिजिनल क्यूब, देन दिस विल बी नोन एज डाइस। रिमेंबर दिस विल बी डाइस नॉट ए स्लाइस, राइट? सो दिस इज द डाइस, मोबाइल एंड मॉडेम, क्योंकि दो ही सिलेक्ट किया था, क्वार्टर Q1 एंड Q2 ये दोनों सिलेक्ट किया था, लोकेशन टोरंटो एंड वैंकूवर ये सिलेक्ट किया था। Got it? So this will be the dice. I hope this is clear to you. But ये जो कैसे क्वारी हम लिख रहे हैं ये याद रखना, ठीक है? So now before going to the next operation, I want from all of you the responses that what is the difference between slice and dice. आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं slice और dice में क्या difference है, अभी जो मैंने discuss किया? Sir, slice out all other dimension use kori se, but dice out more than one, mean two or more mane dimension lo ise. Very good. Aur koi response denge? Sir, slice selects one particular dimension from a given cube, and in the dice it can select two or more dimensions from the data cube. Very good. Right. Anyone else wants to give the view? Okay. Thank you. Anyone else wants to give the response? Both of means Jayata and Kashyapi correct. Or koi batana chahenge?
आज बाकी लोग कहाँ गया? अंकित, राजू, आप सभी को समझ में आ रहा है सर? जो बना वही सेम आंसर ही होगा, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके ठीक है, हाँ सर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज नोन एज पाइवट। ठीक है, पाइवट ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन। ठीक है, आप लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में रोटेशन पढ़ा था, आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉन थ्रू दोस ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर ग्राफिक, ट्रांसलेशन, ट्रांजिशन एंड रोटेशन। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा, आई नो दैट। सो द पाइवट ऑपरेशन इज सेम एज रोटेशन, इट रोटेट्स द डेटा एक्सिस इन व्यू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, ये एक्सिस को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, और आपको क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशन पहले मिल रहा था उसका ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा मिल जाएगा। क्योंकि याद रखना, जो भी हम ये OLAP कर रहे हैं और जो भी डेटा, हमारा मेन एम क्या है, उस डेटा को एनालाइज करना। रिमेंबर द फैक्ट दैट हम डेटा वेयर हाउस में डेटा रखी क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स टू बी परफॉर्म ऑन दोस डेटा। हमें डेटा को एनालिसिस करना है, उससे ये देखना है कि किस वे हमारा ट्रेंड जा रहे हैं। ठीक है, किससे प्रॉफिट मिल रहा है और किससे हमारा लॉस हो रहा है। तो जितना अलग अलग तरीके से डेटा को एनालिसिस करोगे, उतना ही इनसाइट व्यू यू विल गेट फ्रॉम दैट डेटा, राइट? सो पाइवट विल हेल्प यू टू परफॉर्म दैट। यहाँ पे देखो, लोकेशन शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो, वैनकूवर। ठीक है, मोबाइल मॉडेम, फोन सिक्योरिटी, ये सब आइटम्स हैं। आप इसको रोटेट कर, मतलब क्या कर, ये अगर आपने वाई एक्सिस मान के चल रहे हो, जो जिस लोकेशन पे ये हैं, ये लोकेशंस अलोंग द वाई एक्सिस और सी आइटम्स अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हेन यू रोटेट देम तो उल्टा हो जाएगा आपका ये मोबाइल मॉडेम फोन सिक्योरिटी कहाँ पे आ जाएगा, आप वाई एक्सिस पे आ गया, जो पहले वाई एक्सिस था वहाँ पे आ गया। मतलब ये भी समझ सकते हो, ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया। ओके, मैं कितना डिग्री एंगल मूव कर रहा हूँ ये मैं पूछूंगा आप लोगों को, और लोकेशंस को मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में ले। ठीक है, जो पहले रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था उसका जस्ट अपोजिट रिप्रेजेंटेशन, अपोजिट नहीं बोलूंगा, ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन हियर, क्या बोल सकते हो? सर रोटेशन तो कहने के हब क्लॉकवाइज ने एंटी क्लॉकवाइज। দেখ চোৱা, ৰোটেশ্যন আমি কৰোঁতে ক্লক ৱাইজো কৰিব পাৰোঁ, এণ্টি ক্লক ৱাইজো কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? আৰু ইয়াত কি কৰিছোঁ, এবাৰ ডায়েগ্ৰামটো ভিউ কৰা, মই ডাইৰেক্ট কৈ নিদিওঁ আনচাৰটো। তোমাৰ আইটেমছ টাইপছ লোৱা এক্সেচিজ আছিলে আৰু লোকেশ্যনছ ৱাই এক্সিছ আছিলে। এতিয়া এই আইটেম টাইপছটো মই কেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, ইন দিছ ৱে। ঠিক আছে, তো ইয়ালৈ আহিলে, চ' এই এংগুলটো কি হ'ব, কিমান ডিগ্ৰী এংগুলত হেৰি কৰিছে, বা দুইটাই কৈ দিয়া তুমি, ক্লক ওয়াইজ হলে কিমান হ'ব, এন্টি ক্লক ওয়াইজ হলে কিমান হ'ব? স্যার এন্টি ক্লক ওয়াইজ হলে 90 ডিগ্রি, স্যার ক্লক ওয়াইজ হলে একদম উলাই আছে, ইজ ভেরি সিম্পল, বাট ইউ হ্যাভ ট্রাইড। হু ইজ দিস, জয়তা ইয়া কাশ্যপী? স্যার জয়তা। জয়তা কনফিউজ হয়ে যাও, বেয়া না পাবা তোমালোকে, হ্যাঁ? ওকে, so you are right, anti clockwise. Sir, no. Please sir, 90 degree hobo sir, 90 degree hobo sake, 90 degree ho sakta hai kya? Theek hai Joyda, good try. Okay, baki log kya kahenge iske upar? Question samajh mein aa gaya na? बाकी सब चुप, खुश तो बताओ यार। राजू, अंकित, दिव्य और बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम तो याद भी नहीं है मुझे, बताओ रेस्पॉन्स। सर क्लॉकवाइज रोटेशन 90, सर क्लॉकवाइज 90 और एंटी क्लॉकवाइज 180। अच्छा ঠিক আছে, মই এইটো তোমালোকলে হোমৱৰ্ক হিচাপে থ'ম। দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন ফৰ ইউ, ক্লক ৱাইজ এণ্ড এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যন। আই এম গিভিং এ স্মল হিণ্ট টু ইউ,
180 degree plus 180 degree, what is the actual total angle? Can you tell me? 360 degree. Am I right? सब तुम लोग के उल्लेख हो गए इसके बाद जो भी है अभी मत बताना नहीं नहीं अभी मत बताना प्लीज बाद में सबको सोचते दो और उसका वैल्यू निकालने दो कमेंट करके बता देना ठीक है और जो भी अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा थोड़ा बताया था वो सही है मैं नहीं बताऊंगा किसने क्या कहा आप लोगों ने भी सुना नहीं आप लोग करके देखना और बताना कमेंट करके ठीक है ओवरऑल रोटेशन आपको समझ में आ गया रोटेशन इज द पिवट आप उसका अल्टरनेटिव व्यू कर रहे हो ओके क्वेश्चन भूल मत जाना जो सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने ठीक है सो दीज आर द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ओके क्या क्या था मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ रोल अप ठीक है रोल अप मीन्स व्हाट वी आर डूइंग रोल अप में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे कोई बता सकते हो रोल अप में मैं क्या कर रहा हूँ डायमेंशन रिडक्शन क्लाइंबिंग अप कॉन्सेप्ट क्लाइंबिंग अप कॉन्सेप्ट राइट बट क्वेश्चन एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा स्किप करेंगे ओके डायमेंशन रिडक्शन गुड सो रोल अप में मैं डायमेंशन रिडक्शन कर रहा हूँ ठीक है सेकेंड ड्रिल ड्रिल डाउन में मैं क्या कर रहा हूँ डायमेंशन इंक्रीज कर रहा हूँ ठीक है नया डायमेंशन ला रहा हूँ और थर्ड स्लाइस में मैं क्या कर रहा हूँ एक पार्टिकुलर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देन डाइस में क्या कर रहे हो मोर देन टू और मोर देन टू डायमेंशन को एक साथ कंसिडर कर रहा हूँ ठीक है एंड पिवट में मैं इसको रोटेशन कर रहा हूँ सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन दिस ओएलएपी राइट आई होप दिस ऑल ऑपरेशंस आर क्लियर टू यू नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओएलटीपी ठीक है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ओएलटीपी और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग is a class of software programs capable of supporting transaction oriented applications on the internet main aap logo se janna chahta hu jo maine dbms mein bhi padhaya tha what do you understand by transaction transaction ka matlab aap kya samajhte ho koi bhi ek jan simple ek line mein jawab de sakte ho can you tell me in one line what do you understand by transaction unit of work very good यूनिट ऑफ वर्क ठीक है तो एक्चुअली एक पार्टिकुलर यूनिट को जो हमारा ये है जो भी परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं उसका पार्टिकुलर वन यूनिट को हम क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन ठीक है बहुत सारे देता है उसमें से आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो या आप अगर आप बैंकिंग की बात कर रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो डेबिट कर रहे हो राइट सो दिस आर सम पार्ट्स और सम यूनिट्स ऑफ दे आर ट्रांजेक्शन सो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है इसका मतलब क्या करेगा ये ट्रांजेक्शन करेंगे कहाँ से करेंगे जो आपका डेटा वेयर हाउस का डेटा है ठीक है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज अ क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट ठीक है ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं कि व्हाट इज ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज ट्रेड टी एच आर ई ए डी ठीक है ट्रेड का एक वन लाइन डेफिनेशन क्या था ट्रांजेक्शन तो आपने बता दिया वेरी गुड What is the one line definition for thread? Thread programming हम सभी लोगों ने जावा में किया था ठीक है तो thread मतलब क्या था Come on, fast. So lightweight process. Very good. This is lightweight process. ठीक है तो उस मैं क्यों thread की example दिया Because you can compare this transaction with a thread. So OLAP systems are used for order entry, financial transaction, customer relation management. See that is CRM, retail sales, and such systems have a large number of users who conduct this sort or unit-wise transactions. ठीक है? Database queries are usually simple, require sharp check and response times, and return relatively few records. So, an important attribute of an OLTP system is the ability to maintain concurrency to avoid single point of failures. OLTP systems are decentralized. ये सारे चीज़ that is same as transaction. That we have gone through in DBMS क्योंकि जब more than one transaction हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा concurrency control करना पड़ेगा और इस type का concurrency control mechanism we have already gone through different concurrent control mechanism in our DBMS okay please cite two or three such concurrency control mechanism when multiple transaction processing is going on ठीक है आप लोग को cite करने की कोशिश करना दो तीन ऐसा process दो तीन ऐसा technique
जिसके जरिए हम ये कॉन्करेंसी कंट्रोल करते हैं जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। सो ये तो सिंपल है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया। हम ऑर्डर कोई भी एंट्री कर रहे हैं, कोई भी कोई एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड हम रिसीव कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें पूरा डेटा नहीं आएगा, फ्यू डेट विल कंसिस्ट ऑफ सम फ्यू रिकॉर्ड्स। सो हमें जानना जरूरी है जो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है, दैट इज़ OLTP है, और हमारे पास और एक चीज़ हमें अभी पढ़ा था, दैट इज OLAP। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, आर यू गेटिंग मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, OLAP की जब भी बात आएगी तो याद रखना वी हैव डेटा वेयरहाउस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया OLTP, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, DBMS का ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, राइट। सो ट्रेडिशनल जो भी डेटा ऑपरेशनल डेटाबेस हैं उसकी बात करेंगे तो हम OLTP की बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बुझी पाइसा न OLAP जब बुझा लो तो मालको की कोलो OLTP जब मैंने समझाया था, मैंने आपको क्या किस चीज़ की बात की थी, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, किया था ना। उसमें आप लोगों को डाटा मॉडल्स पढ़ाया था, याद हो तो स्टार स्कीमा पढ़ाया था, ठीक है, स्नोफ्लेक स्कीमा पढ़ाया था आपको, गैलेक्सी स्कीमा पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारे चीज कब हमने पढ़ा था, जब हमें पढ़ना था OLAP। OLAP मैंने पहले क्यों पढ़ाया था, क्योंकि यू कैनॉट अंडरस्टैंड द थ्री टायर आर्किटेक्चर ऑफ डाटा वेयरहाउस। ये याद है कि नहीं, मैं थ्री टायर डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, उसके बाद मतलब उसको कंप्लीट किए बिना मुझे यहाँ पे आना पड़ा, किसमें, OLAP, याद है। कैन समबडी टेल मी डिड आई टेल लाइक दैट बिफोर? यस सर। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई आई हैव टोल्ड लाइक दैट, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द OLAP, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज डिफरेंट स्कीमाज, यू कैनॉट अंडरस्टैंड द थ्री टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस। सो बोलने का मतलब ये है, OLAP की बात जब आएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू का जब बात आएंगे, तब क्या आएगा आपका डेटा वेयरहाउस। और जब हम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम कोई भी डेटाबेस से कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेशनल डेटाबेस। सो फर्स्ट इज दैट, फर्स्ट डिफरेंस वी मे नोटिस दैट OLAP इन्वॉल्व historical processing of information, but our OLTP is involving what, day-to-day processing। अब इसको भी हम अच्छे से explain कर सकते हैं, क्योंकि जब हम data warehouse में data रख रहे हैं वो time wise है, historical data है, तो वो historical data का हम क्या कर रहे हैं, processing कर रहे हैं। but आप transaction कर रहे हो, आज आप credit कर रहे हो, आज debit कर रहे हो, कुछ भी record आप retrieve कर रहे हो, वो क्या है आपका डे टू डे प्रोसेसिंग है। सो आई होप दिस फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू द सेकंड डिफरेंस, OLAP सिस्टम्स आर यूज्ड बाय नॉलेज वर्कर्स एज एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप, मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि हम डेटा वेयरहाउस क्यों बना रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग फॉर इंप्लीमेंटिंग डेटा वेयरहाउस, ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज द बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। आप यू वॉन्ट टू रिटीव द इनसाइट ऑफ द डेटा सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट द ट्रेंड्स दैट योर बिजनेस इज गोइंग ऑन, राइट, व्हिच पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज गिविंग यू प्रॉफिट एंड व्हिच इज गिविंग यू लॉस। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग फ्रॉम दैट डेटा वेयरहाउस। तो ये सारे चीज तो कोई छोटे मोटे लोग तो करेंगे नहीं ना, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब है जो आपका मतलब नॉर्मल क्लार्क हैं और ये हैं, दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओनली कौन करेंगे, सपोज उस पार्टिकुलर एक बैंक की बात कर रहा हूँ, तो उनका को जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होगा, मैनेजर्स होगा, तो वो लोग ये चीज करेंगे, क्या, दिस OLAP एनालिसिस, राइट। सो OLAP एनालिसिस और सिस्टम्स आर यूज बाय द नॉलेज वर्कर्स लाइक एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस है, ये आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर ही करेंगे, ठीक है। तो OLTP सिस्टम्स आर यूज बाय क्लर्क्स, DBA और डेटाबेस प्रोफेशनल्स। आई हैव दिस सेकंड डिफरेंस इज आल्सो क्लियर टू यू। कमिंग टू द थर्ड वन, यूजफुल इन एनालाइजिंग द बिजनेस एंड यूजफुल इन रनिंग द बिजनेस। ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया कि ये जो कर रहे हैं हम OLAP,
हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हमारा बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। बट अब इस बिजनेस को रनिंग करना है, आप जब तक ट्रांजेक्शन नहीं करोगे कैसे बिजनेस चलेंगे, राइट? जब तक आपको रिकॉर्ड रिसीव नहीं कर रहे हो, आप कुछ क्रेडिट डेबिट नहीं हो रहा है, तो आपका बिजनेस रनिंग होगा ही नहीं। तो OLTP इज यूजफुल इन रनिंग द बिजनेस। आई होप दिस थर्ड डिफरेंस इज क्लियर टू यू। सो फोर्थ वन, so OLAP focuses on information out and operational this means sorry OLTP is focusing on the data in. isme kuch explain karne ki baat hai hi nahi, information hum retrieve kar rahe hain OLAP ke zariye aur isme hum data ko in kar rahe hain OLTP ke zariye, theek hai? aur ye point bahut important hai, fifth one, that is OLAP is based on star schema, snowflake schema and this galaxy or fact constellation schema. ये तो ये सारे मॉडल में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक पार्टिकुलर लेक्चर में ये सारे चीज़ पढ़ाया था। सो आई हैव डिवोटेड वन लेक्चर ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, सो प्लीज़ गो थ्रू देम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, OLAP में। बट आप जब DBMS की बात करोगे तो क्या है, ER मॉडल, राइट? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज एनफ टू हैव एन आइडिया अबाउट दोज डेटास और दोज एट्रीब्यूट्स, दोज एंटिटीज, दोज रिलेशंस। ER model is more than sufficient to get an idea about that, right? So that is the fifth difference. Then sixth difference is that OLAP contains historical data and OLTP contains current data. You got it, ठीक है? यहाँ पे हम time based processing कर रहे हैं historical data के ऊपर, और यहाँ पे हम day to day activity कर रहे हैं, तो obviously current data. Seventh one, OLAP provides summarized and consolidated data, right? Okay, then OLTP provides primitive and highly detailed data. Of course, जब आप current day activities कर रहे हो तो आपका data का details बढ़ते जा रहे हैं, आप day by day dimension भी increase कर रहे हो like that, और यहाँ पर हमें zero dimension से क्या मिल रहा है, highly summarized data मिल रहा है, ठीक है? Then eight, provides summarized and multi-dimensional view of data, जो OLAP का एक characteristics हैं। देन यहाँ पे OLTP में क्या हो रहा है, प्रोवाइड्स डिटेल्ड एंड फ्लैट रिलेशनल व्यू ऑफ डेटा, टेबुलर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, राइट? सो दैट इज रिगार्डिंग द OLTP। देन एट सेज दैट, और एट इज कंप्लीटेड, आई होप दिस इज क्लियर। देन नाइन्थ इज दैट नंबर ऑफ यूजर्स इन केस ऑफ OLAP इज हंड्रेड्स, ठीक है? हंड्रेड्स, वो भी ज़्यादा बड़े से बड़े कंपनी के लिए हंड्रेड हो सकते हैं, बट OLTP में तो क्या होगा, नंबर of users will be more than 100, ठीक है? ये आपका कोई भी कर सकते हैं, so obviously number of users will be thousands or more than thousands. बोलने का मतलब ये है कि number of users in OLAP is less than that of OLTP. Question may come like that, you should note it down, ठीक है? Then number of records access is in millions. यहाँ पे OLAP में हम क्या करेंगे, already historical data है, हम उसको एक्सेस करेंगे बस, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? बट यहाँ OLTP में हम एक्सेस से ज्यादा हम इन करेंगे, सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेस विल बी लेस इन केस ऑफ OLTP, और बट नंबर ऑफ एक्सेस डाटा विल बी मोर इन केस ऑफ OLAP, ठीक है? तो OLTP के केस में ये कम होगा। देन यहाँ जो साइज की बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली OLAP में साइज क्या होगा, 100 GB टू 1 TB और अभी और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा के साथ हम डील कर रहे हैं। बट यहाँ पे डाटाबेस साइज 100 MB टू 1 TB, ठीक है? तो दैट इज सफिशियंट। देन नेक्स्ट लास्ट वन, OLAP इज हाईली फ्लेक्सीबल है, इसीलिए तो हम OLAP कर रहे हैं, एनालिसिस करने के लिए हमें हेल्प मिल रहा है। बट OLTP का एक ही इंपॉर्टेंस है कि इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस। So these are the differences among, or means between data warehouse OLAP, forget about this, OLAP and OLTP, ठीक है? These are the difference between OLAP and OLTP. You should note it down, and this is a very important question. And with that, I hope this is clear to everyone, everybody, and I think this is sufficient for today's class, ठीक है? आज के लिए काफी सफिशियंट है, ये सफिशियंट है। कैन आई क्लोज द क्लास नाउ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
Thank you. So please go through the questions that I have asked. Okay, try to answer by yourself. Thank you, sir. Now you may leave, of course.